प्रमुख बनाए जाने के बाद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शनिवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, कई बरस पहले संसद ने यह संकल्प पारित किया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर समेत पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। यदि संसद चाहती है कि पूरे क्षेत्र हमें मिलना चाहिए और अगर हमें इस बारे में आदेश मिलते हैं तो निश्चित तौर पर हम कार्यवाही करेंगे। जनरल नरवणे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर कोई अच्छा काम कर रहा है, चाहे वह एलओसी हो या भीतरी इलाके हो। हमें जनता का पूरा समर्थन हासिल है। हम स्थानीय पुलिस और प्रशासन के भी शुक्रगुजार हैं। उन्हें आर्मी से कोई शिकायत नहीं है। सीमाओं पर तैनात कमांडर के फैसले का सम्मान करना होगा। जो भी शिकायतें दर्ज हुई हैं, वे निराधार साबित हुई हैं। राजनीतिक नेतृत्व द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने की टिप्पणी पर सेना प्रमुख ने कहा कि यह एक संसदीय संकल्प है कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। यदि संसद यह चाहती है तो उस क्षेत्र को भी भारत में होना चाहिए। जब हमें इस बारे में कोई आदेश मिलेंगे तो हम उचित कार्यवाही करेंगे। पूंछ सेक्टर में पाकिस्तानी सेना द्वारा दो निहत्ते नागरिकों की हत्या पर सेना प्रमुख ने कहा कि हम इस तरह की बर्बर गतिविधियों का सहारा नहीं लेते हैं और एक बहुत ही पेशेवर ताकत के रूप में लड़ते हैं। हम सैन्य रूप से परिस्थितियों से उचित तरीके से निपटेंगे। जनरल नरवणे ने कहा कि सियाचिन को लेकर कहा कि सियाचिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक फॉर्मेशन पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों की देखभाल कर रहा है। यह रणनीति तौर पर महत्वपूर्ण है। यही वही है जहां साठ गांठ हो सकती है। कश्मीर घाटी में तैनात सेना के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों पर सेना प्रमुख ने कहा कि जमीन पर कमांडर के जजमेंट कॉल का सम्मान किया जाना चाहिए। जो भी शिकायतें दर्ज हुई थी वह सभी निराधार साबित हुई हैं। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने सेना में अधिकारियों की कमी पर कहा कि अधिकारियों की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसके लिए आवेदन करने वाले लोगों की कमी है। हमने बल में अधिकारियों के चयन के लिए मानकों को कम नहीं किया है। 6 जनवरी से 100 महिला जवानों के पहले बैच का प्रशिक्षण सैन्य पुलिस में शामिल होने के लिए शुरू हो गया है। व्हाट वी एंड आई वुड लाइक टू से दैट वी नीड टू कीप इन माइंड एट ऑल टाइम्स। द सेकंड इज बिलीफ। बिलीफ एंड फेथ in ourselves, in our organization, in our superiors and subordinates, in our way of life, in our way of governance. If we have belief in ourselves, then our entire edifice will be strong. And in that case, we will not fall prey to all vile rumors and innuendos. So belief is what will keep us going when the times become tough. C is consolidation. And along with consolidation comes continuity. As you are aware that we are in a very transformative stage. And all this transformation that we are doing, we'll have to consolidate upon them. We'll have to carry forward the initiatives and the policies set by my predecessors and make sure that all of them reach a logical conclusion. Of course, somewhere along the way, there would be mid-course corrections as we set about implementing all these changes. And that's another C, corrections. But we will have to consolidate on all these aspects so that we can then move on to the next set of reforms. I will not run through the entire alphabet, that will take much too long. So I will straight away jump to dotting the I's and crossing the T's. I being integration and T being training. And when I say integration, it is integration within the army and integration
within the services. The formation of the CDS and the creation of a Department of Military Affairs is a very big step towards integration. And we on our part will make sure that this is a success. Integration will also be within the army, and the integrated battle groups are just one example of that. But I also want to assure everyone that in this process of integration, we will take everyone along. Nobody will be left behind. But we will make that a success. T is training. I think all of us talk about training, but I'm not talking about training for the past. I'm talking about training for the future. If we want joint structures to work, we'll have to train accordingly. For integrated operations, for joint operations. And we will have to train for future wars. Wars which are going to be network-centric. In a highly complex and VUCA environment. Volatile, uncertain, complex and ambiguous. We'll have to train for the future. And that is where the emphasis of our training will be. Going on ahead, minding the P's and Q's. P being personal, Q being quality. Our personal, our men and women in uniform, are our greatest strength. The man behind the machine is what matters most. We will make sure that our men get the best. And we will look into all their aspirational needs. And when I say the personal, that includes the extended family, which is our veterans who have contributed so much to make the army what it is today. And the extended family of the Veer Naris and other NOKs. All of them, as far as I'm concerned, constitute personal. And the last is Q, that is quality. We will ensure that we take the best. Quality and not quantity will be our mantra. In whatever we do, whether it is selection of personnel, whether it is acquisition of new equipment, we will focus on quality so that we get the bang for the buck. So that, in a nutshell, ladies and gentlemen, is my vision of where we should be in the years to come. A force which has no doubt where its loyalties lie, which has got a strong sense of belief in itself and its capabilities, which are second to none. We'll make sure that we build upon these strong foundations which have been laid by our predecessors, by esteemed veterans, and continue with those policies. The broad direction that those policies take us towards, and as I said, integrate fully, train for the future, look after our men, and make sure that we always get the best. And if we do that, I feel that in the years to come,
we will always be future ready and able to meet whatever challenges are thrown up. JBD Banquets laaye hain Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.